डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता से कोई फायदा नहीं होता दिख रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने कहा कि उन्हें इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता तभी लाभान्वित होगी जब दोनों पक्षों के लिए कुछ होगा। दोनों के लिए लाभ के हिस्से में अंतर हो सकता है, लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों के पास कुछ भी नहीं। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी का राज्य में कोई विधायक नहीं है, और आश्चर्य है कि अगर दोनों पार्टियां ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं तो बाद वाला क्या हासिल करने के लिए खड़ा है। इस रियासत में हो जाए तो लोगों के जितने मुश्किलात हैं वो कम हो सकते हैं। लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों के साथ अपनी बात रख सकते हैं और चुने हुए नुमाइंदे भी दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि असेंबली न होने की वजह से कई बरसों से ख़ास तौर से जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर वादी के हों या जम्मू सूबा के हैं, वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता है और मुश्किलात बहुत हैं। बेकारी है, बेरोज़गारी है, बिजली की प्रॉब्लम है, महंगाई है और राशन नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं। काम नहीं है और इन तमाम चीज़ों का हल सिर्फ चुनी हुई सरकारें निकाल सकती हैं और इसका इजाला भी चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। पता नहीं, ऐसा तजर्बा मेरी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा कि जहां इलेक्शन आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वरना हमेशा गवर्नर रूल या असम्बली 5-6 महीनों के लिए भंग रहती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 साल हो गए। तो इसलिए ये मेरी समझ से भी बाहर है और मेरे तजुर्बे से भी बाहर है। नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब का मैं समर्थन करता हूँ, उनका मैं जो उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छा कहा, क्योंकि मैं उस वक़्त लीडर ऑफ अपोजिशन था जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, और जब मैं ज़मीन पे 4 घंटे बैठा, जो कि उस वक़्त पार्लियामेंट ने दिखाया नहीं, और अपनी साथियों के साथ, लेकिन कोई दूसरी पार्टी मेरे साथ नहीं बैठी, जो हमारे अलाइज थे वो भी नहीं बैठे, और जब वोट खिलाफ पे हुआ कुछ दिन बाद, उसके लिए भी तकरीबन मुझे उनके पांव पकड़ने पड़े, तो कुछ लोगों ने वोट दिया। और लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा में हमारा लीडर पोजीशन नहीं था, तो लोकसभा के लीडरों से भी मैंने ही बात की उस वक़्त दूसरी पार्टीज़ के, तो कुल उन तमाम पार्टियों को मोबिलाइज करके भी सिर्फ हमें 14% वोट मिला, 86% बीजेपी को मिला। तो उमर साहब ने ठीक कहा कि जब कश्मीर में ज़रूरत होती है, आज 6 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई एक पार्टी नहीं कह रही है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, एक पार्टी ने 6 साल से पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है, मेरा भी वही शिकवा है दूसरी सियासी पार्टियों के साथ कि जब पर उन पे बन आती है तो फिर यूनिटी की बात करते हैं, और जब हमें 6 साल से 8 साल से हम एक मुसीबत में जूझ रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूटी बनाया, स्टेट हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी स्टेट को यूटी में तब्दील किया, किसी ने उफ तक नहीं किया। कई जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने तो बीजेपी के साथ वोट किया पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी,